पटाखों के गोदाम में, और मेरे को छूटता ही एक कमल का पटाखा दिखाया है। अगर आप मेरी नज़र पड़ी फिर बच्चों की ये छोटी छोटी फूलझड़ी और पेंसिल पे, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो कलरफुल अनार है, ठीक है ये भी। बाकी फिर अगर आप देखें तो उसके अलावा ये पिंकी पाई, ये बेसिक। हेलो गाइस, मैं हूं अंकित। तो यार आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली आने वाली है तो भाई हम शॉपिंग करने निकल चुके हैं। तो भाई देख रहे हो ये इतना ज़्यादा रश हुआ पड़ा है, और यहाँ पर भाई बहुत सारे बम, मतलब क्या कहूँ भाई। ये हमारी लोकेशन होने वाली है सेक्टर 10 कादीपुर के पास में। तो यहाँ पर सारे बम पटाखे, रश देखो यार सबसे पहले तो तुम यहाँ पे कितना ज़्यादा है भाई, लोग भीड़ हुई बड़ी, भर भर के लोग आ चुके हैं। भाई देख लो कट्टे, बिल्कुल कट्टे भर भर के भाई। ज़्यादातर यहाँ पे ना शॉप्स वाले आते हैं, दुकान वाले, तो वो जाकर अपने बम वगैरह बेचते हैं। भीड़ देख लो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये देखो पूरा भाई पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। हमें मतलब कोई भी, आप मैं कहूँगा कि कोई भी तरह के क्रैकर जो आपको नॉर्मली नहीं मिलता वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर गोदाम ही गोदाम है, बहुत सारे भर भर के गोदाम है। आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। गाइस हम आ गए हैं पटाखों के गोदाम में, और मेरे को छूटता ही एक कमल का पटाखा दिखाया है। तो मैं अंकित को दिखा रहा था कि देखो क्या ज़बरदस्त पटाखा है, तो अंकित कह रहा है भाई और भी देख ले आगे चलते हैं। आगे देखने में पता लगा तो भाई ये सूतली बम पे इसकी नज़र पड़ी, कह रहा है वो तो जोड़ लूँगा पड़ोसी के घर फेंकना मेरे को। आगे चलते हैं गाइस, और भी काफ़ी सॉरी वराइटीज़ हैं, ठीक है। तो वैराइटीज़ में आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप मेरी नज़र पड़ी फिर बच्चों की ये छोटी छोटी फूलझड़ी और पेंसिल पे। तो पीछे से भैया ने आवाज़ मारी, बढ़िया है नया आइटम है ले लो। तो ये कुछ कलरफुल स्क्रीन शॉट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पेंसिल में दिखा देता हूँ। तो ये भी काइंड ऑफ हमारे टाइम पे तो ऐसी चीज़ें नहीं आया करती थी, बट अगेन चीज़ें एडवांस हो गई हैं, तो पटाखे भी एडवांस हो गए हैं बच्चों की तरह। जो नई हमारी जेन जी जो जनरेशन है उनके लिए पटाखे ये है। तो ये भी हमारे सूतली बम है, राइट। तो पहले तो ये वो आते थे कोक ब्रांड के, अब तो अलग अलग ब्रांड आने लग गई है, ठीक है। तो एंग्री बर्ड्स के भी, और ये अगर देखो या मैं दिखा रहा हूँ ये काइंड ऑफ चक्री है जो ट्रेंड व्हील है। तो हमारे टाइम पे एक नॉर्मल कोक ब्रांड का चक्री आती थी जिसके हम जला के कूदा करते थे। अब ये पता नहीं कौन सी नई चीज़ें हैं, बट अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर यहाँ पूरा नज़र घुमाएंगे तो पटाखों से पटाखे दुकान पूरी भरी पड़ी है, और रश तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। रश तो ऐसा है, मैं अंकित को आवाज़ दे रहा हूँ कि पता नहीं रिकॉर्डिंग करके कहाँ जा रहा हूँ, और पता नहीं किसको भैया भैया बुला रहा था, क्योंकि एक बंदा और खड़ा था सेम टी शर्ट पहन के उसी को बिठा के ले जाता। तो एक पटाखा मेरे को पसंद आया, उसका नाम था मियाँ बीबी। अब शादीशुदा जितने भी बंदे हैं जो व्यूअर्स हैं उनको ये खास पसंद आएगा, तो हम लोकेशन डेफिनेट देंगे, जाइए और अपनी बीवी के सारे पटाखा जलाइए दिवाली पे, डेफिनेटली मज़ा आएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली ये सेक्शन हमारा जो कोक ब्रांड के अलावा जितनी भी ब्रांड्स हैं अलग अलग जो नई मार्केट में आई हैं, राइट, उनके काफ़ी सारे पटाखे यहाँ पे दिखेंगे आपको। इसमें आपको अनार भी अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो कलरफुल अनार है, ठीक है। ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, बट अगेन जब आपके पास ऑप्शंस इतने सारे होते हैं तो चॉइस आपकी लिमिटेड हो जाती है, फिर आपको समझ नहीं आता कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। तो मैं बार बार पूछ रहा था अंकित से कौन सा लेना चाहिए, फिर मेरे को ये समझ आया इलेक्ट्रिक सायरन, मतलब जो सायरन की आवाज़ आती है ना कोई इमरजेंसी होती है, मैंने अंकित यही जला ली पड़ोसी को जगाने के लिए अपने। क्या देखूँगा भाई ले लूँगा। फिर मैंने उसको दिखाया वो अपना जो बचपन में अनार जलाया करते थे, तो ये कुछ देख के भाई सेम डायलॉग मारूंगा, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं पटाखे देख के। आगे चलते हैं, आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसके पीछे भी इनका एक स्पेस बना हुआ है जिसमें जो काफ़ी मेन जैसे कोक ब्रांड के जो पटाखे हैं वहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं, और यहाँ पे भी अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे भी रश काफ़ी अच्छा खासा हो रखा है, और लोग जो हैं एडवांस में दिवाली के पटाखे लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है पटाखे दिवाली के आसपास महंगे हो जाएंगे। तो ये वही पटाखे हैं जैसे इलेक्ट्रिक सायरन है, बस थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट चेंजेस है। बाकी ये एंग्री बर्ड के बिजली बम हमने तो कोक ब्रांड के ज़्यादा जलाए हैं, एंग्री बर्ड पता नहीं
किस किस को एंग्री करके बनाए गए दिवाली के टाइम पे। फिर ये लाफिंग मंकी हमने देखा, ये भी सेम चक्री टाइप होगा, बट ये पता नहीं मंकी क्या अलग करके दिखाएगा, इसका कोई आइडिया नहीं हो तो चला के ही पता लगेगा जो भी ले रहा है इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बेसिकली मैं ढूंढना चाह रहा था स्काई रॉकेट्स, तो स्काई रॉकेट्स मेरे को कहीं दिखे नहीं। स्काई शॉट्स की तो भरमार थी इस गोदाम में, जहाँ नज़र घुमा वहाँ स्काई शॉट दिख रहे थे मुझे, तो वहाँ से एकदम से पीछे से भैया आए कि भैया वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी, यहाँ पे अलाउड नहीं है। हम कहाँ सुनते हैं किसी की, हमने कहा जारी रखी वीडियो बनानी, नहीं हमारी ऑडियंस की डिमांड है, वीडियो डेफिनेटली जाएगी। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पर हम स्काई शॉट्स के डिपार्टमेंट में आए, यहाँ पे हमने देखा तो अलग अलग तरह के स्काई शॉट्स पड़े थे। ठीक है, अगर आप देखें तो ये देखो सिंगापुर, अब ये स्काई शॉट है, पता नहीं सिंगापुर में कुछ दिवाली ऐसी मनाई जाती होगी। अगर राइट में देखेंगे देखो रोनाल्डो की शक्ल के स्काई शॉट्स हैं, और उसको हम इसको ये पब्लिश कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के नाम से, तो मेरे को लगता है नेटफ्लिक्स वाले डेफिनेटली कॉपीराइट मार देंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे भी यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये स्ट्रॉबेरी अनार है। अब इसमें से स्ट्रॉबेरी उगेगी या फैलेगी या क्या होगा वो तो अभी पता लगेगा जब ये जलेगा। बाकी फिर अगर आप देखें तो उसके अलावा ये पिंकी पाई, ये बेसिकली गर्ल्स के लिए है। ठीक है, वो गर्ल्स भी इसका अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अलग अलग है, जोकर के नाम से भी अलग अलग था। ठीक है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, और बड़े जो बम है मतलब कोक के ब्रांड के, जो अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल जस्ट मेरे सामने कोक के ब्रांड के बम पड़े हैं, जिसमें सूतली बम जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हैं वो आपको इस सेक्शन में दिखेंगी। ये है दिवाली के हमारे टाइम के बम जो हम जलाया करते थे। तो आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र दोबारा फिर कोक के ब्रांड पे पड़ी, यहाँ पे चक्री, सूतली बम, हाइड्रो बम सब अवेलेबल था। और भैया तो ये तो पता नहीं आइस ब्लास्टर के पीछे ही पड़े हुए कि मैं लेके जाऊँगा। अब ये पता नहीं ये बार्गेन कर रहे थे प्राइस पे क्या कर रहे थे, तो भैया से मैंने रेट वेट पूछा तो कुछ कह रहे थे कि 2000 के आसपास का ये इनको देने की बात कर रहे हैं। तो हाउएवर बार्गेनिंग में थोड़ा और सस्ता करते क्योंकि ये होल सेल मार्केट है, या कम ही हो जाए रेट। तो ये सूतली बम तो पता नहीं अंकित पीछे ही पड़ा है, हाथ छोड़ ही नहीं रहा, कह रहा मैं आज ही जलाऊंगा। मैंने चल जला लियो भाई, फिर नज़र पड़ी भाई कोहली और धोनी भाई पे, हमारे तो दोनों स्टार्स हैं हमारे। चलो हमें भी अच्छा लगा, अलग अलग चीज़ें देखने को मिली और काफ़ी मज़ा आया। तो हम भी सोच रहे हैं कि एक आध बॉक्स हम स्काई शॉट्स का ले जाएं, कुछ दिवाली के आसपास भी मौका भी होगा इनको जलाने का। बाकी आप एक ऑप्शन क्या है हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। और ये देखो जतिन ने कट्टा भर के पूरे बम पटाके भाई, जो भी स्पेशल हमने हमें जो दिखे वो हमने यहाँ पर ले लिए। रास्ता बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि हमें अपनी गाड़ी भी बाहर पार्क करके आनी पड़ रही है। तो आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हो कि कितनी कितनी भीड़ हो रही है। तुम तो कुछ कहना चाहता है? मैं तो देख रहा हूँ पंचर दुनिया स्कूटी। तो गाइस सबसे पहले यार भीड़ देख लो बहुत, अभी तो ये फिर भी कम हो चुकी है, हम शॉपिंग करके आ चुके हैं अंदर भाई, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं होता, फिर भी हमने जाके आप लोगों के लिए शूट करा है और हम इस पे वॉइस ओवर देंगे, क्योंकि भाई कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वहाँ पर, कैमरा देख के ही मना कर देते कि भाई यहाँ पे शूटिंग मत करो। तब हम जा रहे हैं घर और हालत तो ऐसी हो गई जैसे पटाखे हम भी बेच रहे थे अंदर। भाई पूरा बारूद और पूरी स्मेल हुई पड़ी है, गत्ते की पसीने की क्या क्या स्मेल हो रही है बताओ नहीं पता। गाइस सीरियसली आपको अच्छे डिस्काउंट पे सही रेट में मिल जाएंगे, बाहर से खरीदे अच्छा है, आप पटाखे यहाँ से खरीदिए तो सही रेट में खरीदिए। इस एरिया की आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ, ये हमारे गुड़गांव में कादीपुर चौक, आप अगर आना चाहो तो हीरो होंडा चौक से आओगे तो सेक्टर 10 बस स्टैंड के पास में पड़ता है। और यहाँ पूरा एरिया, यहाँ पर सारे ही गोदाम है बम के क्रैकर्स के, तो आप भी अगर कोई लेना चाहो तो आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। सो गाइस हम अपने एक्साइटिंग बम लेकर आ चुके। तो गाइस ये दिवाली आज ही मनाएगा क्या? तो दिखा दो हम क्या क्या लेके आए, क्या क्या शॉपिंग करके आए। तो गाइस हमने ज्यादा शॉपिंग नहीं करी है, ठीक है, हम चाहते हैं हम थोड़ा नेचर का भी ध्यान रखें और अपने जो छोटे दिवाली के जो रिचुअल्स है, जो सेलिब्रेशन है उसको भी बनाएं। तो ज्यादा फटाके नहीं लिए हैं, ठीक है, थोड़े बहुत हमने थोड़े बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। मतलब नॉर्मली हम अनार जलाते, चक्री जलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, वो सब को छोड़ के
कुछ नए नए प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं। सबसे पहले देखो मैं दिखाता हूँ, ये सबसे पहले ये अपनी शक्ल का लेके आया पहले भाई, ये छोटा रावण है तो ये दशहरे पे जलाएंगे आपको, मतलब सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे कि हमारे पास में है क्या। ये देखो यार, ये पिंकी पाई है, हमने आपको दिखाया था वीडियो में, अच्छा लगा, देखे देखेंगे कि कैसा एक्चुअल में जलने वाला है। इसकी टेस्टिंग कंप्लीट टेस्टिंग वीडियो में एक अलग से पार्ट में बनाएंगे, इसमें से कोई पिंकी पाई नहीं निकलने वाली है पहले बताओ। और भाई ये हमारे पास में बहुत सारे पॉप पॉप्स, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हम, इसमें ना हम एक्चुअल में क्या करेंगे, एक साथ में इसके ऊपर डालने वाले हैं, किसी के ऊपर तो फेंकेंगे सारे एक साथ में, भाई क्या होगा, कैसे वीडियो बनने वाली है ये जरूर देखना। ये इसका फेवरेट जो यार, ये वहां पे जाके चेकआउट कर रहा था मियां, इसके बारे में आपको टिप्पणी देना चाहोगे? ये तो बस कोई टिप्पणी देने चाह रहा, बस ये देखना चाह रहा हूँ या पति ज्यादा बजेगा या बीवी ज्यादा बजेगी। मियां बीवी में से मियां कौन सी और बीवी कौन सी है? देखो गाइस, कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं लेबलिंग की बात करूँ, मियां बीवी दोनों जगह लिखा हुआ है। शोर पे डिपेंड करेगा कौन ज्यादा शोर मचाता है, जो ज्यादा शोर मचाएगा वो बीवी, जो साइलेंट रहेगा पति। वीडियो देखने के बाद देख फिर बाप भी क्या करते हैं। सच्चाई बोल दिया मैंने, सच्चाई ऑडियंस भी जानती है। अगर गाइस आपको मेरी सच्चाई पसंद आई है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि शोर कौन मचाएगा, अब जानना चाहेंगे। हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार कि किसका ज्यादा शोर। तो गाइस ज्यादा हम कुछ लेके नहीं आए हैं, राइट, कुछ कुछ यूनिक आइटम्स हैं, थोड़ा नेचर का ध्यान भी रखते हुए और अपना सेलिब्रेशन का भी ध्यान रखते हुए। बाकी पार्ट टू में हम इनको जला के दिखाएंगे कैसे है, क्या कलरफुल अनार है, जैसे रावण है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। और उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कुछ और, जैसे दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो आप रिकमेंडेशन दीजिएगा कि आप क्या और देखना चाहेंगे, डेफिनेटली हम कमेंट्स का वेट करेंगे। बाकी अंकित कुछ और ऑडियंस से चाहता है या आप सबसे? बस यही चाहता हूँ यार, लोग ये सब चैलेंजेस, ये सब जो हम चीजें लेकर आते हैं, आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ऐसी चीजें, बहुत बढ़िया चीजें हम लेकर आते रहते हैं, ऐसे ना हो कि आपका ये मिस हो जाए कोई एक्साइटिंग वीडियो। तो भाई, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना गाइस, ये 500 सब्सक्राइबर का वेट कर रहा है, कह रहा मैं डेफिनेटली गिव अवे करूंगा, वो तो है यार कर ही देंगे। ठीक है, तो 500 सब्सक्राइबर्स कराइए जल्दी जल्दी, हम 1000 की तरफ बढ़े, अच्छे से कंटेंट हम लेके आएंगे। साथ ही साथ आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस लगते हैं, तो आप सजेशंस दीजिए, हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे और अपना कंटेंट में लेके आएंगे। आज की वीडियो गाइस हम यहीं पर एंड करते हैं, जय हिंद जय भारत, बाय 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 गाइस।